नमस्कार। तो यूपी के इस दूसरे पहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और मेरे साथ है मेरी सहयोगी काजोल नारायण। दर्शकों, उत्तर प्रदेश का दंगल अब अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है क्योंकि अब वोटिंग शुरू हो गई है। आज 11 जिलों के 58 विधानसभाओं में वोटिंग चल रही है और ताबड़तोड़ वोटिंग चल रही है। इसका परिणाम जो है वो 10 मार्च को आएगा और किस्मत किसकी खुलने वाली है इन 11 जिलों के 58 विधानसभाओं में, यह हमको 10 मार्च को पता लगेगा। लेकिन आज हमको जो पता लगेगा वो ये है कि लोग कितना उत्सुक हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, किस तरीके से वोट देना चाहते हैं, किन मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं, क्या 5 साल जो मुद्दे प्रभावी रहे, जो कि प्रैक्टिकल रूप से जो उन्होंने महसूस किए, क्या उन मुद्दों पर वोट पड़ रहे हैं, या फिर जो आखिरी समय पे आखिरी वक्त पर जो चुनावी में रैलियां जो हुई उनमें जिस तरीके की भाषणबाजी हुई, जिस तरीके की स्पीचें निकलकर सामने आई, जिस तरीके से नेताओं के बयान आए और जितनी गहमा गहमी, जितनी गर्मा गर्मी देखने को मिली, यहां तक कि गर्मी और चर्बी तक ये चुनाव पहुंच गया, तो क्या इन मुद्दों को लेकर वोटिंग हो रही है? इस पर आज चर्चा करने के लिए हम बैठे हुए हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर लाइव जुड़ेंगे हर जगह से, जहां जहां वोटिंग हो रही है वहां वहां से हम अपने रिपोर्टर्स को लाइव जोड़ेंगे और जानेंगे कि निर्वाचन आयोग, जो जिले का निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन अधिकारी है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या ईवीएम जो खराब होने की जो सूचनाएं मिल रही हैं क्या अभी तक ठीक हुई हैं या फिर ये सूचना इक्का दुक्का जगह से ही मिली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 20% से ज्यादा मतदान अभी उत्तर प्रदेश में हो चुका है, लेकिन ये जो काउंटिंग है, ये जो आंकड़ा है काजोल, ये बढ़ेगा क्योंकि जैसे जैसे अभी हमको पता चला कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ठंडी जो आजकल हवा बयार जो बह रही है, तो ठंड की वजह से लोग ज्यादातर पसंद करते हैं कि थोड़ा सा धूप निकल आए, थोड़ा सा माहौल थोड़ा ठीक हो जाए, गर्म हो जाए, तब जाकर वोट देने जाएंगे। तो शाम के 6 बजे तक वोटिंग होनी है, लेकिन आपको बता दूं कि 3-4 बजे तक स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी कि कितने प्रतिशत लोग इस विधानसभा में वोट देने जा रहे हैं। काजोल जी, बिल्कुल, छुट्टी का दिन है, जैसा कि आपने पहले ही बताया कि ठंड का समय है तो लोग सोच रहे हैं कि आराम से थोड़ा छुट्टी का भी मजा ले लें और उसके बाद वोट भी डाल दें। तो चलिए काविंद्र, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि 11 जिलों की 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इनमें से कौन कौन सी सीटें हैं वो जरा अपने दर्शकों के लिए बता दें। नोएडा, दादरी, जेवर, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, मेरठ कैंट, मेरठ साउथ, छपरौली, बरौत, बागपत, लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर, दौराना, हापुड़, कैराना, थाना भवन, शामली, बुढ़ाना, छत्रावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, काविंद्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मतलब कि जाट लैंड ये कहा जा सकता है। और इस बार हमने देखा है कि 1.5 साल जब किसान आंदोलन हुआ तो जाटों पर इसका असर जरूर नजर आ रहा है। इनमें से संवेदनशील सीटें कौन सी है वो जरा अपने दर्शकों को बता देती हूँ मैं। खैरागढ़, फतेहाबाद, आगरा दक्षिण, बाद, छाता, मथुरा, सरधना, मेरठ शहर, छपरौली, बड़ौत, बागपत और कैराना, ये जो सीटें हैं ना ये बहुत ज्यादा संवेदनशील है। झगड़े, मारपीट, ईवीएम खराब होना, ईवीएम में गड़बड़ी होना, ये सब यहाँ से निकल कर सामने आता है। हमने बहुत सारे, चाहे वो 2017 हो, चाहे वो 2012 हो, हमने देखा है। इसके अलावा 623 उम्मीदवार हैं जो मैदान में हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं प्रत्याशी जो अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, जिनमें से बीजेपी के बहुत ज्यादा है। सपा जो गठबंधन है उसका असर बहुत ज्यादा इस बार हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल सकता है। तो अब आपको बता दूं कि 2.27 करोड़ मतदाता आज भाग्य विधाता बनने जा रहे हैं 623 प्रत्याशियों के। कुल मतदाता 2.27 करोड़ हैं, जिनमें से पुरुष 1.23 करोड़ हैं, महिला 1.04 करोड़ हैं, थर्ड जेंडर 1,423 हैं। 1,000 वोटर्स के लिए एक मतदान केंद्र है, पोलिंग स्टेशन 10,766 है, मतदान केंद्र 25,000 से ज्यादा है। मथुरा की 15 और मुजफ्फरनगर की 15 पर सबसे ज्यादा प्रत्याशी बने हुए, क्योंकि 15-15 प्रत्याशी यहां पर हैं। तो काविंद्र, इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा खेल जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज देखने के लिए मिल सकता है। तो बिल्कुल अपडेटेड आंकड़े जो आप बता रही है काजोल, शानदार तरीके से बिल्कुल अपडेटेड है ये। और एक एक आंकड़ा ये चीज दिखाता है कि आखिर जो गुड़ा गणित है, जो जातीय लेवल पर जो गुड़ा गणित होता है, वो किस तरीके से जाएगा। लेकिन इस बार के आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव, जैसा कि आपने जाटलैंड, और दूसरी चीज जाटलैंड के साथ आपने जो संवेदनशील वर्ड का जो यूज किया, यहां पर एक बात बता दूं कि इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पूरी सियासत की जो हवा देख रहे हैं, उस हवा से दरअसल एक मैसेज आ रहा है। वो मैसेज ये है कि बीजेपी इस पूरे चुनाव को, बीजेपी जो है इस पूरे चुनाव को, ऑन एयर लीजिए डायरेक्टर साहब, बीजेपी जो है इस पूरे चुनाव को कहीं ना कहीं इस रूप से करना चाहती है कि ये पोलराइज हो जाए, एक तरफ हिंदू हो जाए, एक तरफ मुस्लिम हो जाए। और इसके लिए दो जिन्हें दिखाए जा रहे हैं, दो जिन्हों का नाम है एक मुजफ्फरनगर, एक कैराना, कैराना का पलायन वाला मसला और मुजफ्फरनगर का दंगों वाला मसला। इन दो मसलों को दिखाकर पूरा मसाला तैयार कर रही है बीजेपी, और बीजेपी चाह रही है कि हिंदू और मुसलमान वर्सेस हो जाएगा तो सीधे तौर पर एक तरफा वोटिंग होगी काजोल, और एक तरफा बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार ये चाह रही है
कि जाट और मुसलमान एक साथ आ जाए। जाट और मुसलमान कभी यहां टकराव था ही नहीं, वो तो मुजफ्फरनगर दंगों के बाद यहां पर टकराव की स्थिति बनी। वरना इससे पहले चौधरी चरण सिंह टाइम की बात करूं या फिर महेंद्र सिंह टिकैत जी के टाइम की बात करूं, तब ये सब एक थे और एक तरफा जाते थे, क्योंकि किसानी के रूप में, किसानी के पैकेट में आते थे। लेकिन किसानी का यह पैकेट ऐसा खुला कि एक तरफ जाट चलेगा, एक तरफ मुसलमान चलेगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जाटों को अपनी ओर किया और मुसलमान तो सपा की ओर चले गए, सपा की ओर, कांग्रेस की ओर, बसपा की ओर, इन लोगों की ओर चले गए। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काजोल, जो एक गुणागणित जो हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ये नजर आता है कि मुसलमान जो है, दरअसल वो भी बट जाता है। वो कैसे बटता है? एक तो बसपा वोटर मान लीजिए उतार दिया, पिछली दफा हमने देखा था 20 से 23 सीटें ऐसी थी जहां पर बसपा ने, कांग्रेस ने और सपा ने, तीनों लोगों ने ही कैंडिडेट उतार दिया मुसलमान, और मुसलमान कैंडिडेट उतारने की वजह से मुसलमान बट गया तीनों लोगों में। लेकिन बीजेपी एक तरफा है भाई, बीजेपी का जो कोर एजेंडा है, जो क्लियर कट एजेंडा है, वो सीधा है कि उन्हें हिंदू वोट चाहिए। ये बिल्कुल सेंट्रिक बात है, इसमें कोई इधर उधर की बात करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इससे पहले आपको एक और चीज बता देते हैं, जैसे कि आपने आंकड़े बताए, तो थोड़े से आंकड़े हम भी बता देते हैं। यहां पर हॉट सीट, हॉट सीट का मतलब होता है कि जिन सीटों पर सबकी नजर रहती है। हॉट सीट का मतलब वो होता है जिन पर बड़े चेहरे होते हैं। बड़े चेहरे कौन से होते हैं? बड़े चेहरे वो होते हैं जिनको उनकी विधानसभा के बाहर के लोग भी बखूबी जानते हैं, पार्टी आलाकमान नाम से जानता है, बकायदा फोन नंबर फीड होता है और डायरेक्ट फोन पर बात होती है दिल्ली से। तो मृगांका सिंह है, कैराना से इस बार उतरी है। मृगांका सिंह एक बड़ा नाम है। कैराना जो पूरा मसला, जो पूरा विवाद हुआ था, इसमें मृगांका सिंह अगर किसी ने ना सुना हो तो ये ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही साथ सुरेश राणा साहब हैं, ये थाना भवन से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ा चेहरा है। संगीत सोम साहब हैं, ये मुजफ्फरनगर का, एक तरीके से मैं कह रहा हूँ, जब मुजफ्फरनगर की हम बात करते थे, जो दंगों के वक्त जब हम रिपोर्टिंग करते थे, तब संगीत सोम ही संगीत सोम दिखते थे हमको एक तरफ से। दूसरी तरफ पंकज सिंह है, नोएडा से है, राजा सिंह जी के बेटे हैं, बड़ा चेहरा है। पंखुड़ी पाठक, ये थोड़ा सा अपवाद हमने यहाँ पे, पंखुड़ी पाठक दरअसल कभी सपा में थी और सपा के बाद कुछ उनकी आंतरिक कलह हुई, झगड़ा हुआ, उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए और कांग्रेस में आ गए, और लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन के तहत, अब नोएडा में लड़ रही हैं। लड़ने के बाद कितना लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे, तो वक्त बताएगा। अवतार सिंह भड़ाना रालोद से हैं, जेवर। साथ ही साथ संदीप सिंह हैं त्रौली से, श्रीकांत शर्मा मथुरा। श्रीकांत शर्मा साहब जो हैं वो दरअसल मंत्री जी भी हैं, बेबी रानी मौर्य जी हैं, आगरा रूरल से हैं। बेबी रानी मौर्य की हम बात करें तो उत्तराखंड से आई हैं। पहले चरण के जो मतदान हो रहे हैं इसमें काजोल, जब हम मतदानों की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के, जब उत्तर प्रदेश की बात करूं या बिहार की बात करूं, यहां पर जब चुनाव होते हैं ना, तो सबसे पहले यहां पर चुनावों के वक्त ये देखा जाता है कि भैया बाहुबली कौन है। लड़ाई अलग चीज हो गई, लड़ाइया तो सभी हैं, सभी लड़ रहे हैं चुनावी मैदान में, लेकिन बाहुबली कौन है? बाहुबली वो लोग होते हैं, हमने कई दफा देखा है, सुनते हैं ना हम काजोल, कि जेल के अंदर से ये प्रत्याशी हैं। अब भैया जेल के अंदर से प्रत्याशी, तो ये समझिए। तो बाहुबली जो लोग हैं, हालांकि हैं बाहर, मदन भैया रालोद से हैं, लोनी से हैं, बड़ा चेहरा है मदन भैया, इस बार नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ लड़ रहे हैं। अमरपाल शर्मा साहब हैं, साहिबाबाद से हैं। नाहिद हसन बड़ा विवादित चेहरा है भाई, समाजवादी पार्टी की, बहुत लड़ लड़ा के समाजवादी पार्टी को इनको उम्मीदवार बनाना पड़ा है। कैराना से योगेश वर्मा साहब है, हस्तिनापुर से, हस्तिनापुर से एक और चेहरा है अर्चना गौतम, उनको लेकर विवाद बन रहा है क्योंकि काफी ट्रोल हो रही हैं वो, तो इसको लेकर कांग्रेस जो है, कांग्रेस की जो पार्टी आलाकमान की अगर मैं बात करूं या फिर प्रियंका गांधी की सीधे तौर पर बात करूं, तो प्रियंका गांधी सीधे तौर पर उनके लिए लाइव आई और बोला कि जो हमारी इस महिला कैंडिडेट को ट्रोल कर रहे हैं वो दरअसल महिला विरोधी है। तो ट्रोलिंग भी हो रही है, सब तरीके का मिर्च मसाला हो रहा है, जैसे पहले के चुनाव होते थे काजोल, उससे थोड़ा सा अलग हटकर है। अब तो ऐसा लग रहा है सब कुछ सामने है, सामने बिल्कुल काविंद्र, महिला 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 बहुत इस बार हम देख रहे हैं, चाहे वो चुनावी प्रचार हो चाहे वो मैनिफेस्टो हो। मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए हम ये करेंगे, महिलाओं के लिए हम वो करेंगे। आज सहारनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर उन्होंने रैली की और ये कहते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो हमारे साथ हैं। क्यों ये आज भाषण में क्यों इस बात का जिक्र हुआ, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ, आपने भी वो वीडियो संदेश सुना होगा, योगी आदित्यनाथ वीडियो संदेश जारी करते हैं और कहते हैं कि आप मतदान सोच समझ कर करिएगा, अगर आप सोच समझ कर मतदान नहीं करते तो फिर उत्तर प्रदेश को केरल बनते, उत्तर प्रदेश को जम्मू कश्मीर बनते, उत्तर प्रदेश को बंगाल बनते, देर नहीं लगती। उस पर जयंत चौधरी, आप जाटलैंड की बात कर रहे थे, आप सपा की बात कर रहे थे कि सपा जो है मुस्लिम जो है इधर चले जाते हैं सपा में और बसपा में चले जाते हैं, इस बार जो जाट है ना वो रालोद के साथ पहले से भी हैं और इस बार तो पूरे पक्के तरीके से दिखाई देते हैं। जयंत चौधरी कहते हैं कि आप बात कर रहे हैं केरल की, आप बात करें बंगाल की, आप बात करें कश्मीर की, यहां पर जो रेट है एजुकेशन का, जो व्यवसाय का, वो यूपी से बहुत ज्यादा है। पीएम मोदी जी तो कह रहे हैं
सहारनपुर से। तो सहारनपुर से जब वो बोल रहे हैं, इस चीज को बहुत देखना जरूरी है कि सहारनपुर में हालांकि जो चुनाव है वो सेकंड राउंड में होंगे, लेकिन आज जब सहारनपुर से वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सहारनपुर से ही बोल रहे हैं। सहारनपुर से जब वो बोल रहे हैं तो उस लाउडस्पीकर की जो आवाज है ना, वो सियासी रूप से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश तक फैल रही है। और जो वोटर घर से निकला है, जिसके 2 किलोमीटर के अंदर बूथ है, वो जब स्कूटर से जा रहा है और सुन रहा है कानों में ईयरफोन लगाकर कि हाँ भैया, तो पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, योगी जी क्या कह रहे हैं। तो इस चुनाव को अभी भी आखिरी वक्त तक ही पोलराइज करने की तमाम कोशिशें हैं, और ये पॉलिटिक्स है क्योंकि ये बीजेपी की पॉलिटिक्स को सूट करता है। इसमें कोई भी कुछ गलत या सही नहीं हो सकता, कंट्रोवर्सी हो सकती है, तमाम तरीके की इधर उधर की बातें हो सकती है, लेकिन जिसकी पॉलिटिक्स को जो सूट करता है वो उसी तरह की बातें कर रहा है। जैसे कि इस बार चुनाव में हम लोगों ने एक बहुत दिलचस्प चीज देखी है काजोल, कि इस बार के चुनावों में चाहे जयंत चौधरी हो या फिर अखिलेश यादव हो, जैसा पिछली बार चुनावों में हम देखते थे कि मुसलमानों के लिए खुलकर बोलते थे, लेकिन इस बार हिजाब का इतना बड़ा मसला चल रहा है, लेकिन एक कमेंट, नॉट अ सिंगल कमेंट, उनकी तरफ से एक सिंगल कमेंट नहीं आया है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर मुसलमानों के प्रति कोई भी बात बोली गई तो फिर जाट नाराज हो जाएगा। तो इस बार जो है मुसलमान अलग थलग दिख रहा है। अगर ओवैसी की बात कर दे, ओवैसी साहब ने जरूर उनको थोड़ा सा अपनी तरफ अपीस कर रखा है, लेकिन बाकी पार्टियां जो हाथ नहीं लगाना चाह रही, सबको पता है कि इस बार के चुनावों में जो बिंदु है उसमें हिंदू जो है वही केंद्र बिंदु है। बिल्कुल, इसके अलावा महिलाएं भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं इस बार के चुनाव में, क्योंकि हर कोई महिलाओं पर भी बात कर रहा है कि हम महिलाओं को ये देंगे, हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, स्मार्टफोन देंगे, स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, बहुत सारी चीजें हैं। प्रलोभन, आखिर क्यों ये प्रलोभन की जरूरत पड़ रही है? सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी प्रलोभन दे रही है। जब आपने 5 साल, आप ये कहते हैं, दम भरते हैं हर चुनावी रैलियों में, हर संवाद में आप ये कहते हैं, हर चौपाल में ये कहते हैं कि हमने तो 5 साल बहुत काम किया है, तो आपको फिर फ्री की राजनीति करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है? अपने आप पे बहुत बड़ा सवाल है। सपा की हम बात करें तो ये आरोप सपा पर लगते रहे हैं कि सपा की जब जब सरकार रही है तो गुंडे माफिया बहुत ज्यादा आए हैं, बहुत ज्यादा आए हैं। और इसके अलावा जो दंगे, आपने मुजफ्फरनगर दंगों की बात करी है, सहारनपुर के भी मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि सहारनपुर में इस बार अभी वोटिंग नहीं चल रहा है, लेकिन सहारनपुर भी इंपॉर्टेंट है, कैराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेरठ जो कि बहुत ज्यादा संवेदनशील है, बहुत ज्यादा संवेदनशील इसलिए क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, कहा जाता है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। बीजेपी ये स्थिति बता देती है कि जहां पर मुस्लिम ज्यादा है वो एरिया संवेदनशील है, वहां पर लड़ाई झगड़े होंगे, गुंडागर्दी होगी, वोटिंग ठीक तरीके से नहीं होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वोटिंग धीमी क्यों हो रही है, सवाल उठा रहे हैं, इसका सवाल वो बीजेपी से मांग रहे हैं, आखिर वोटिंग धीमी क्यों है? और ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है काविंद्र, की इतने ज्यादा रोजगार की बात बीजेपी करती है, हमने बहुत रोजगार दिए है नौजवानों को, नौजवान आगे बढ़ रहा है, हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरी कर रहे हैं, तो आखिर नौजवान निकलकर सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्यों वोटिंग प्रतिशत इतना कम अब तक हमें देखने के लिए मिलता है? क्या सिर्फ ठंड की वजह है या वजह कुछ और है? बिल्कुल, हम लोग को अब थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दबाजी हो जाएगी अगर हम इस पर कोई भी कॉमेंट अगर करते हैं। लेकिन एक चीज है काजोल, जैसा कि आपने कहा कि ये स्कूटी मिल रही है, लैपटॉप मिल रहा है, तो इसमें क्या है कि काजोल, अगर एक क्लियर कट ऑफ शॉर्ट हम चीज देखते हैं, समझते हैं, अगर उसको समझे तो वो साफ है कि भूतकाल पर और भविष्य पर चुनाव लड़ना बहुत आसान है। आप भूतकाल को दिखाकर कुछ भी कर सकते हैं कि देखिए नेहरू जी क्या कर रहे थे उस वक्त, गांधी जी क्या कर रहे थे उस वक्त, और मुलायम सिंह यादव जी देखिए, खुद ही ऐसे बताया जाता है, विजुअलाइजेशन ऐसे किया जाता है जैसे मुलायम सिंह यादव जी खुद ही खड़े होकर गोलियां चला रहे हो। तो मुलायम सिंह यादव देखो वहां पर कार सेवकों पर गोलियां चलवा रहे थे, अखिलेश यादव तो खुद दंगा करवा रहे थे। तो भूतकाल पर चुनाव लड़ना बहुत आसान है, और ऐसा ही दरअसल सपा हर पार्टी, अमूमन हर पार्टी करती है, और ऐसा ही भविष्य पर लड़ना बहुत आसान है। भविष्य पर क्या है कि हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा लगता है कि एक सामान्य किसान भी बढ़िया सफेद सूट और बूट में खड़ा आपको दिखेगा, ऐसी भविष्य की बातें करती है। लेकिन चुनाव लड़ना कहां मुश्किल है, वर्तमान में, वर्तमान की स्थितियों पर चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन चुनाव दरअसल वर्तमान में है, तो इसको कैसे काउंटर करें, तो काउंटर करते हैं इसको झुंझुना लेकर, जैसे बच्चों को बचपन में टॉय पकड़ा देते थे, वैसे आजकल जनता को पकड़ाई जाती है, स्कूटी ले लो, लैपटॉप ले लो, सेल लगती है, और हर कोई, और ये फ्री बाय का जो सिलसिला शुरू हुआ ये दरअसल दिल्ली से शुरू हुआ, जब अरविंद केजरीवाल साहब ने देना शुरू किया तो लोगों ने, बाकी अन्य पार्टियों ने देखा कि हाँ इसका फायदा तो है, फायदा तो मिलता है, क्योंकि शॉर्ट मोमेंट के लिए, बिल्कुल दो बार मिला है और शॉर्ट मोमेंट के लिए ही सही, लेकिन लोग कहीं ना कहीं इसके आ जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। और जब लोगों को, लड़कियों को लग रहा है, सबसे पहले तो प्रियंका गांधी आई थी चुनाव में कि आएंगी और गुलाबी स्कूटी बांटेंगी, तो लड़कियों को लगा कि ठीक है भाई आएंगे तो गुलाबी स्कूटी मिलेगी। लेकिन हर पार्टी आजकल देख रहे हैं उसको बड़ा वो कर रही है, ओवरलैप कर रही है, अब बीजेपी कह रही है कि हम भी देंगे, सपा वाले तो पहले से कह रहे हैं हम लैपटॉप देंगे, अब बीजेपी भी कह रही है हम भी लैपटॉप देंगे, तो सबको लैपटॉप स्कूटी, क्योंकि युवा जो है वो शॉर्ट मोमेंट के लिए इन चीजों में फंस जाता है। अब कोई किसी को घड़ी बांट दे तो ये एक तरीका से वही है जैसे पहले कैश बढ़ता था चुनावों से पहले, अब एक तरीके से सेल लगी है कि ये लोग मिलेंगे। मनोवर चौहान हमारे साथ मेरठ से हैं। मनोवर साहब, ये जानना चाह रहा था मैं आपसे
कि इस वक्त मेरठ में क्या माहौल है, कैसी वोटिंग हो रही है और प्रतिशत, जैसा काजोल हमारी बता रही थी कि प्रतिशत कम क्यों नजर आ रहा है, ऐसा है जैसा कि मैंने उनको बताया कि अभी समय है तो इंतजार करिए, शाम के 4 बजे, 5 बजे तक, 6 बजे तक हम देखते हैं, लेकिन अभी तक प्रतिशत कम है और वो बिल्कुल सही कह रही है। तो प्रतिशत कम क्यों नहीं है, लोग निकल क्यों नहीं रहे बाहर? देखिए कावेंद्र, मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ में अब तक 34% मतदान हो चुका है और मेरे ख्याल से मेरठ हर बार इसी तरीके से वोट करता है, 2017 में भी इसी प्रकार हुआ था, लेकिन यहाँ इस बार देखा यह जा रहा है कि जो मतदाता है वो सुबह से निकला, लेकिन इस बार जो कुछ लोग सेलफोन लेकर आए और जो कुछ लोग सेलफोन लेकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे उनको रोक लिया गया। उत्साह जरूर है लेकिन कुछ लोग डिमोटिवेट हुए हैं। अभी हाल ही में मैंने एक खबर भेजी है, जो कैंट विधानसभा सीट है यहाँ पर दायमपुर एक जगह पड़ती है, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। तो इसी तरीके से किठोड़ विधानसभा पड़ती है, काफी सेंसिटिव सीट है, यहाँ पर सपा और भाजपा के लोगों में आपस में झगड़ा हो गया, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है। हालांकि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी अगर बात करें तो जप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है। मनवर, मेरी आवाज क्या मिल पा रही है आपको? मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ, एक तस्वीर सामने आई, बताइए जा रहा है कि एक जो बीजेपी का समर्थक था, बीजेपी का जो कार्यकर्ता था, उसे छत से नीचे फेंक दिया गया है, ऐसी भी तस्वीर मेरठ से सामने आ रही है, सुबह झड़प हुई है। देखिए इस तरह की तस्वीरें तो नहीं अभी आई है लेकिन इस तरह के आरोप है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे चीजों को बताता है जिससे कि चुनाव में पैनिक ना फैले, हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई बयान जारी नहीं किया है। तरह तरह के आरोप है, जो सपा के लोग हैं वो कह रहे हैं भाजपा के लोग उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं सपा के लोग उनको रोक रहे हैं। किशोर की मैं बात कर रहा हूँ, काफी सेंसिटिव है। उधर अगर आप शिवालय में चले जाइएगा तो यहाँ पहले भी आरोप लगते थे कि जाट जो है वोट नहीं करने देते हैं, लेकिन इस बार जाट काफी उत्साहित है और मत प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि अभी सिर्फ आरोप लग रहे हैं, स्थिति अभी साफ नहीं है, तस्वीर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हर बार तो यही होता है ना कि आरोप लगाए जाते हैं, स्थिति क्लियर नहीं हो पाती है। देखिए चुनाव में होता क्या है, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो खास तौर से इस तरह की चीजों को दबाने की इसलिए कोशिश करते हैं जिससे कि चुनाव में किसी प्रकार का कोई माहौल ना खराब हो। अगर आरोप ये लग जाए या एक बार साबित हो जाए कि भाजपा के किसी समर्थक को छत से फेंक दिया है और सपा या बसपा किसी ने फेंका है, तो हो सकता है इसको लेकर के मेरठ में एक ऐसा माहौल बन जाए, दंगे हो जाए, झगड़े हो जाए। जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, हो सकता है ऐसी बात हुई हो लेकिन वो दबाने की कोशिश इसलिए करते हैं। मेरठ काफी सेंसिटिव है, मेरठ में पूर्व में देखा गया है, किशोड़ में देखा गया है, यहाँ पर पहले जो लोकदल के प्रत्याशी हुआ करते थे मखदूम गौड, वो शाहिद मंजूर पूर्व कैबिनेट मंत्री के सामने चुनाव लड़े थे, लेकिन अब दोनों इकट्ठा हो गए। इनमें मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इतनी पत्थरबाजी हुई कि शाहिद मंजूर कैबिनेट मंत्री रहते हुए खुद की गाड़ियों को नहीं बचा पाए, तमाम गाड़ियों को तोड़ दिया गया था और पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। यानी कि यहाँ इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह की चीजें होना आम बात है, इसलिए प्रशासन यहाँ फूंक फूंक कर कदम रखता है। आईजी से लेकर एडीजी और तमाम लोग यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आईजी ने सुबह ही क्लियर कर दिया था, जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसको नहीं बख्शा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गाजियाबाद में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आईजी ने सुबह ही क्लियर कर दिया था। लेकिन इस बार अगर चुनाव की बात की जाए तो मेरठ काफी बेहतर तरीके से काम कर रहा है। देखिए सुबह मैंने देखा 7 बजे जो पोलिंग बूथ थे केवल उनके अंदर ही लोग थे, क्योंकि सुबह धुंध काफी थी, सर्दी भी थी, लेकिन धीरे धीरे लोग निकलने शुरू हुए। अब धूप है तो मेरे पीछे देखेंगे यहाँ बस पड़ी, हालांकि बस के पीछे नहीं दिखाई देगा, काफी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे एक बड़ी समस्या ये आई है, जो लोगों के पास पर्ची हर बार पहुंचती थी वो पर्ची इस बार नहीं पहुंची है और बड़ी तादाद में लोगों की वोट भी नहीं आई है। लोग मछेरान पे मैं मौजूद था, शहर का ये इलाका पता है शहर सीट का, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे मेरे पास, बोला कि हमारी वोट नहीं आई है, ऐसे में हम क्या करें। तो इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और इलेक्शन कमीशन के लोगों से भी उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन ये जो चीज हो गई तो हो गई, अब उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता। ये तो पार्टियों का काम होता है कि अपने वोटरों को दुरुस्त करे, या कोई भी वोटर हो, मतदान सभी का अधिकार है और आज का जो दिन है ये कह सकते हैं। मनोवर साहब, दिन के लिए सभी को मनोवर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था
कि इस बार के चुनावों में कई पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने उन उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया जो लोग चाह रहे थे, और ऐसे में वो लोग बागी हो गए, नाराज हो गए, निर्दलीय चले गए, इस पार्टी में चले गए, उस पार्टी में चले गए। तो ये दिन मैं सोच रहा था कि जिस दिन वोटिंग होगी तब आपसे पूछूंगा कि आज वो लोग अपने समर्थकों को या अपने लोगों को किस तरीके से वोटिंग जहां हो रही है वहां तक ले जा पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो समर्थक थे, जो कल सपा के समर्थक थे और वो उनको टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय हो गए, तो उनके जो समर्थक है तो आज उनके सामने बड़ा एक डायलेमा है कि वोट दे तो किधर दे, क्योंकि वहां पर वो प्रत्याशी का एजेंट भी खड़ा है, उस प्रत्याशी का भी एजेंट खड़ा है। तो किस तरीके से इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट किया जा रहा है? देखिए कविंद्र, आपने अच्छा सवाल किया है। मेरठ की अगर मैं बात करूं तो मेरठ में खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग एमएलए जितेंद्र पाल सतवाई का टिकट काटकर मनिंदर पाल का किया, उनका पुरजोर विरोध हुआ और अंदर खाने विरोध है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो शहर सीट पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी चुनाव लड़ते थे, लेकिन यहाँ से उनको हटा करके कमल शर्मा को टिकट दिया गया। लेकिन दावेदारी यहाँ पर जो मंत्री है वर्तमान में सुनील भराला, पंडित सुनील भराला वो पेश कर रहे थे, उनका टिकट नहीं हुआ। तो देखा ही जा रहा है कि सभी सपा में भी ऐसा हुआ है, गुलाम मोहम्मद का टिकट हुआ है, जबकि यहाँ पर जो गठबंधन में शामिल है आरएलडी के नेता का टिकट होना था उनका नहीं हुआ। तो ऐसा में देखा जा रहा है तो विरोध जरूर हुआ, लेकिन वो विरोध शांत हुआ। लेकिन अंदर खाने जहन में जिलों में लोगों में क्या है ये तो पोलिंग बूथ पे बिल्कुल 10 तारीख को ही पता चलेगा। बिल्कुल मनोहर साहब, 10 तारीख को ही पता चलेगा हमारे साथ जा रहा है। बिल्कुल मनोहर साहब, 10 तारीख को ही पता चलेगा हमारे साथ। जितेंद्र भी गाजियाबाद से लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र साहब, सबसे पहले तो गाजियाबाद में क्या कुछ चल रहा है, रियल टाइम अपडेट दीजिएगा। जितेंद्र साहब का ऑडियो लीजिएगा, ऑडियो। अरे बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो लगातार लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। खासतौर पर जो गांव देहात के जो इलाके हैं उसमें सुबह के वक्त जो वोट होना था वो हो चुका है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा शांत होने लगा है। लेकिन जैसे ही तो 2 से 3, 3 से 4 बजेंगे तो वो फिर एक बार फिर बढ़ेगा, क्योंकि गाँव की जो आबादी अमूमन खेतों में काम करती है और वो जो खेतों का काम होता है वो सुबह को काम अपना करके और फिर वोट डालते हैं, फिर अब इंतजार है कि वो अपना काम करके आएंगे और 3 से 4 बजे के बाद जब वो अपने घर लौटेंगे तो तब वोट करने के लिए हो जाएंगे, तो तब वोट प्रतिशत बढ़ सकता है। अब जैसे जैसे 1 से 2 घंटे का समय होगा ये और 2 से 4 के बीच का, तो इस वक्त जो वोट है वो कम रहेगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो दिल्ली से सटा हुआ है और गाजियाबाद को अगर हम माने तो बहुत ज्यादा डेवलप कहा जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भी बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं, लेकिन संख्या उतनी ज्यादा हमें दिखाई नहीं दे रही है। सुबह से ही बहुत कम प्रतिशत यहाँ पर मतदान हुआ है। जैसे कि आपने बताया कि कुछ ग्रामीण लोग जो हैं वो खेतों पर काम करके वापस लौटेंगे तो फिर एक बार जो वोटिंग प्रतिशत है वो अच्छा खासा हमें दिखाई देगा, लेकिन सवाल ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड पीपल हैं, वो क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, वो महिलाएं सामने क्यों नहीं आ रही हैं, क्योंकि ये जो पूरा चुनाव है वो महिलाओं पर ही लड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर गाजियाबाद के खासतौर पर वीआईपी लोगों की बात की जाए तो वो ज्यादातर वो लोग ऐसे होते हैं जो दिल्ली में काम करते हैं, लेकिन जब गाजियाबाद में चुनाव होता है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन दिल्ली में इस चीज को लेकर किसी भी तरह की कोई भी जो छुट्टी है अब वो घोषित नहीं होती है, जिसके चलते जो लोग हैं सुबह जल्दी पहुंचते हैं लेकिन सुबह जब देखते हैं कि वो लेट हो रहे हैं तो वोट ना डालने के बजाय अपने काम पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा जो लोग ज्यादातर गाजियाबाद में रहते तो वो इस चीज को एंजॉय करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और यहाँ से जो हिल स्टेशन होते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वोट डालने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन इस बार की एक चीज और देखी गई है, जो फ्लैटों में जो वोटर्स होता है वो धीरे धीरे निकलकर सामने आया है। अगर पिछले बार की बात की जाए और इस बार की बात की जाए तो अंतर तो देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह के अंतर की बात सोची जा रही थी वो अंतर अभी तक नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अगर गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन में केडीपी सोसाइटी ऐसी है जो इस बार चुनाव का बहिष्कार कर रही है, तो ऐसे तमाम ऐसी चीजें हैं और जिसके वजह से वोट प्रतिशत धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जी बिल्कुल, इसके अलावा देखिए अगर नंद किशोर गुर्जर की मैं बात करूं तो एक बड़ा चेहरा, मंत्री पद उनके पास, उनका असर क्या गाजियाबाद में दिखाई देता है? और चूंकि इस बार उसके जो अगेंस्ट में है वो मदन भैया भी है, मदन भैया जो है वो काफी एक दबंग चेहरा बताए जाते हैं। नंद किशोर गुर्जर का जैसे कि नाम ले रही थी काजोल जी लोनी से, तो लोनी में इस बार जो फाइट है वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसी लग रही है, मतलब हॉट फाइट लग रही है एक तरीके से कहें उसको। तो
जिसे बाहुबली नेता कहा जाता है और उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा कि हाँ मैं हूँ बाहुबली नेता क्योंकि मेरे बाहु में दम है। और इसके अलावा अगर बात की जाए उनके साथ इस बार मुस्लिम वोटर भी है जो माना जा रहा है कि वो सपा और आरएलडी के साथ है। और इसके अलावा इस वक्त बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, बहुत बड़ी खबर मिल रही है, लखीमपुर खीरी कांड जहाँ पर किसानों को कुचला गया था, आशीष मिश्रा के बेटे अजय मिश्रा को जमानत मिल गई है, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम दर्शकों को बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस मुद्दे को बहुत ज्यादा चुनावी बनाया गया था, बहुत ज्यादा बनाया गया था, तो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को बनाया और कहा कि उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें सजा होनी मिल गई है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आशीष मिश्रा जो कि टेनी साहब के बेटे हैं उनको लखीमपुर खीरी हिंसा केस में जमानत मिल गई है, बड़ा मामला है। और इस बीच जब चुनाव चल रहा है, क्योंकि आपको बता दूं कि काजोल इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी को राजनीतिक एक राजधानी बताया गया था और यहां पर यह सबसे बड़ा मैटर था। आपको बता दूं कि हाथरस कांड के बाद अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा बनाया गया तो वो लखीमपुर खीरी को ही बनाया गया था। और यहां पर आशीष मिश्रा उनके पिता अजय मिश्रा टेनी सीधे तौर पर इन पर लगातार हर विपक्षी दल जो था आरोप लगा रहा था, वहीं इसके साथ ही साथ जो किसान थे वो भी लगातार इसको लेकर हावी थे सरकार पर। लेकिन आज ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को जमानत मिल रही है, तो इसका कहीं ना कहीं असर जो है बाकी अन्य जो छह चरण के मतदान है उनमें भी देखने को मिलेगा और शायद आज शाम तक भी इसका असर देखने को मिल जाए, ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी ये काजोल। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कि पहली मैं कावेंद्र बोल चुकी हूँ, जाट लैंड है और ये मसला पूरा जाटों पर आ जाता है क्योंकि काफी संख्या में बाद आशीष मिश्रा की आज जमानत उन्हें मिल गई है, बहुत बड़ा असर, इसका बहुत बड़ा असर अब हमें 2-3 घंटे में देखने के लिए मिल जाएगा। कावेंद्र जो लोग वोट नहीं कर सके हैं वो कहीं ना कहीं अब बदलाव की स्थिति देखने के लिए हमें मिल सकती है। बिल्कुल काजोल, 3 अक्टूबर 2021 को एक कांड हुआ था जिसके बाद लगातार इसको लेकर आरोप लगाया गया, बीजेपी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर किया गया था विपक्षी दलों के द्वारा, विपक्षी दल लगातार इसको लेकर फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। लेकिन आज लखनऊ हाईकोर्ट से जमानत जो मिली है इसके बाद अब चुनाव कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में जा सकता है, क्योंकि इस वक्त आपको ये सबसे बड़ी खबर इसलिए बता रहे हैं, इसलिए ये अहम है क्योंकि एक तरफ तो ये डिमांड की जा रही थी कि अजय मिश्रा टेनी को ही बर्खास्त कर दिया जाए, मंत्री पद से ही नहीं उन्हें कहा जा रहा था कि पार्टी से भी आप बाहर करिए, लेकिन अब तो उनको खुद ही जमानत मिल गई उनके बेटे को, तो ऐसे में अब सियासी जो पूरा घटनाक्रम है वो किस तरीके से बदलेगा ये आने वाले चरणों में हमको पता चल जाएगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं किसान इसको लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया देंगे वो थोड़ी ही देर में हमको पता चल जाएगी काजोल। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस पर अगर हम बात करें जयन चौधरी की, क्योंकि खुद वो जाट हैं तो ऐसे में जाट उन पर विश्वास जता सकते हैं, आज एक बहुत बड़ा बयान उनकी तरफ से, उसका इंतजार हम करेंगे, कुछ ही देर में बयान वो सामने आ जाएगा। इस मुद्दे को बहुत बनाने की कोशिश की गई थी काविंदर, हमें लग रहा था कि इस बार का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का वो पूरी तरह के तरीके से किसान वर्सेस पार्टियां हो जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आज जो कुछ हुआ है, जो आशीष मिश्रा की यहाँ जमानत मिल गई है जिसकी उम्मीद किसानों को शायद कभी नहीं होगी कि जमानत उन्हें मिल पाएगी, क्योंकि किसान तो यही कह रहे थे कि उन्हें जमानत मिलनी नहीं चाहिए, इवन जो वहां पर अजय मिश्रा है उनको बर्खास्त की उनकी होनी चाहिए, उन्हें पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो आज अब से कुछ ही देर में देखिए समय हो चुका है 1:37, अभी बहुत समय, 6 बजे तक पोलिंग बूथ पर हमें संख्या और ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। एक जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें दिख रहा था बीजेपी के पास, क्योंकि जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो पूरी तरह से सोच चुके हैं कि हम जीत रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है किसान इस पे, जब क्योंकि अभी मेरे सहयोगी ने बताया मेरठ से मुनव्वर जुड़े हुए, तो उन्होंने बताया कि जो किसान है, जो क्षेत्र ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो खेती करते हैं, वो कहीं ना कहीं खेतों में गए हुए हैं और जब वो वापस शाम को लौटेंगे तब वो वोट करेंगे, तो अब क्या असर देखने के लिए मिलेगा ये बहुत बड़ी बात है। हम रिएक्शंस का इंतजार कावेंद्र अभी कर रहे हैं, रिएक्शंस का इंतजार करना होगा। और ये सीधे तौर पर आपको बता दूं कि इसमें राकेश टिकैत साहब हुए, जयंत चौधरी साहब हुए, इन सबके जो रिएक्शंस हैं वो जल्दी आएंगे देखने को मिलेंगे। लेकिन
आपको बता दें कि राजनीतिक रूप से अगर देखते हैं, राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं अगर, तो एक चीज है कि हमारा देश का कानून जरूर ये कहता है कि जब तक दोषी नहीं है तब तक उसको दोषी ना माना जा सकता है, ना कहा जा सकता है। हालांकि मीडिया ट्रायल्स होते रहते हैं लेकिन उसको दोषी नहीं कहा जा सकता, तब तक वो आरोपी ही रहता है। और यही वो लूप होल है जिसके तहत कई बड़े माफिया हुए या कई बड़े जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं वो भी चुनावी मैदान में लड़ते रहते हैं, लड़ते हुए नजर आते रहते हैं। तो ऐसे में ये चीज देखनी अहम हो जाती है कि जो लोग चुनावी राजनीति में होते हैं लेकिन वो चुनाव कैसे लड़ लेते हैं, उनके ऊपर जब इतने गंभीर आरोप होते हैं, बड़े आरोप होते हैं, फिर भी चुनाव कैसे लड़ लेते हैं। तो ये दरअसल देश के कानून का मसला है कि जब तक आरोपी है तब तक दोषी नहीं, और अगर आरोपी है तो वो चुनाव लड़ सकता है। और इस बात को मैं इसलिए यहां पर रख रहा हूं काजोल, क्योंकि अभी तक बीजेपी जो थी बैकफुट में इसलिए थी क्योंकि लोग, विपक्षी दल जो थे या फिर किसान संगठन हो या किसान नेता जो हो, वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि बेटा जब जेल चला गया है, बेटे पर जब मुकदमा है और बेटा जेल चला गया है तो उसके पिता पार्टी के अंदर मंत्री पद से क्यों नवाजे जा रहे हैं। तो इसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट में आती थी, उनके प्रवक्ताओं के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता था, साथ ही साथ बड़े नेता मंत्री भी उनकी किसी भी तरह की टीका टिप्पणी से बचते थे। लेकिन आज जब जमानत, ये भी हम देखते हैं कितनी ज्यादा किरकिरी हुई थी जब उनका वीडियो वायरल हुआ था, पत्रकारों को धमका रहे थे, वो भी वो पत्रकार जो लगातार बड़े बड़े संस्थान हैं जो उनको धमकाते हुए नजर आए थे, किरकिरी बहुत हुई। लेकिन आज जब जमानत मिल रही है तो बहुत, मुझे तो बहुत सारी एकदम ऐसा लग रहा है कि पासा बिल्कुल पलट गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जमानत कैसे मिली है, क्यों मिली है। लेकिन जमानत मिल गई है, रिएक्शंस का हम इंतजार करेंगे। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। काविंद्र, मैं आपसे चाहूंगी कि आप मुनव्वर के पास जाएं और मुनव्वर से पूछें कि वहां पर मेरठ में इस चीज का क्या असर देखने के लिए मिल सकता है, मुनव्वर के पास, क्योंकि मेरठ में बहुत संख्या में ऐसे हैं जो किसानी खेती लोग करते हैं। जी मुनव्वर के पास भी चलेंगे, जितेंद्र के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले इसी खबर पर जरा हम थोड़ा सा एक दर्शकों को एक बात बता देते हैं कि अब जब जैसे कि अभी तक बीजेपी जो बैकफुट पर खेल रही थी, अब कहीं ना कहीं बीजेपी ये मैसेज देने की जरूर कोशिश करेगी, क्योंकि देखिए हाईकोर्ट से अगर जमानत मिली है तो बीजेपी बताएगी कि देखिए हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब यह है कि पूरी तरह से उनका बेटा जो है वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पेंट की बड़ी राजनीति चल रही है, पेंट बड़ा किया जाता है। पहले सीधे तौर पर ये दिखाया गया कि अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे ही गाड़ी चला के उन्हीं ने किसानों को मारा, सीधे तौर पर इसको पेंट किया गया एक, और बीजेपी के मंत्री ने किसानों को मारा, इस तरीके की खबरें हेडलाइंस चलवाई गई, देखी गई, और राजनीतिक पार्टियों के जो नेता थे बड़े बड़े उन्होंने इस तरीके की जो पोस्ट करे। लेकिन आज जब उनको जमानत मिल गई है तो इसको इस तरीके से दिखाया जाएगा कि कोर्ट से, वो कोर्ट से बाहर आ गए, कोर्ट से फ्री कर दिए गए, तो इस तरीके का पेंट किया जाएगा। लेकिन बातें दरअसल बहुत डीप होती है, बहुत पेचीदा होती है, तो इसको लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं गाजियाबाद से, पल पल की अपडेट दे रहे हैं, साथ ही साथ मेरठ से मुनव्वर भी जुड़ेंगे हमारे साथ जल्द ही। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर आई है ना काजोल, ये कहीं ना कहीं पहले चरण के मतदान के बीच विपक्ष के लिए सिरदर्दी जरूर बनी है। बिल्कुल, उसका असर अगले चरणों में हमें जरूर देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर तो आज ही होगा क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान सबसे ज्यादा गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा हुआ था, जैसे कि राकेश टिकैत लगातार कहते आए थे और उन किसानों के परिवारों से मिले थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी, तो वो असर देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद जयंत चौधरी गठबंधन सपा से कर रखा है, तो सिरदर्दी तो है, लेकिन आज बीजेपी के लिए सिरदर्दी मुझे कहीं ना कहीं काविंद्र नजर आती है, क्योंकि किसान वैसे ही नाराज है। हालांकि राकेश टिकैत ने भाई बोला है कि सरकार ने गलती करी थी, केंद्र सरकार ने, इसी वजह से उन्होंने इन कृषि कानूनों को वापस लिया, अपनी गलती सुधारी है। लेकिन आज जब आशीष मिश्रा जमानत लेकर वापस आ रहे हैं, कोर्ट से भले ही उन्हें जमानत मिल गई हो लेकिन किसान उन्हें माफ नहीं करने वाले हैं, ऐसा किसानों ने कहा था, तो वो अब ईवीएम का बटन दबाकर इसका जवाब जरूर देंगे। बिल्कुल काजोल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अब जैसे आशीष मिश्रा को जमानत मिली है तो इस पर क्या है कि विपक्ष के नेता भी इस पर कमेंट करेंगे, साथ ही साथ किसान नेताओं के भी कमेंट आएंगे, तो कहीं ना कहीं चुनाव के बीच में ये मुद्दा एक बार फिर जन्म लेगा, एक बार फिर तरह तरह के रिएक्शन आएंगे, प्रतिक्रियाएं आएंगी, तो एक बार ये मुद्दा जब जन्म ले रहा है तो कहीं ना कहीं ये किसी के भी पाले में जा सकता है। ये बिल्कुल ऐसा है 50-50 वाला मसला है, विपक्ष को भी फायदा दे सकता है और साथ ही साथ सरकार को भी फायदा दे सकता है, बस ये है कि नैरेटिव कौन कितनी बेहतरी के साथ जनता के बीच रख पा रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जाट मुसलमान एक साथ आने चाहिए, ये सपा और आरएलडी चाहते हैं, तो नैरेटिव कितनी अच्छी तरीके से उनके बीच में रख पा रहे हैं। और मुजफ्फरनगर का दंगा हो या फिर कैराना का पलायन का मसला हो, इन मुद्दों को कितनी अच्छी तरीके से बीजेपी जो है जनता के बीच इसको मैसेज क्रिएट करने में, नैरेटिव सेट करने में कामयाब होती है, इसी के बीच का चुनाव है। चुनाव दरअसल नैरेटिव के बीच में है। काविंद, देखिए हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, हम सपा गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन बसपा को हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। देखिए कुछ सर्वे ऐसे हुए थे, ये बताया गया था कि अभी 23% जो मतदाता है वो कोर वोटर है बसपा का, लेकिन अगर उसमें 30% की बढ़ोतरी होती है तो ये जो चुनाव है ना
वो कहीं ना कहीं हाथी के पास जाता हुआ नजर आ सकता है। इस पर हम जरूर कुछ चर्चा करें और ये भी दिखाएं कि आम आदमी पार्टी जो कि ये कह रही थी कि यूपी से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जब से हम बात कर रहे हैं सुबह भी हमने रिपोर्टर्स को जोड़ा जाने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी का जिक्र कहीं नहीं हो रहा है, कांग्रेस का जिक्र कहीं नहीं हो रहा है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की अगर बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा उनका कुछ है नहीं, कोई किसी तरीके का अभी देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हालांकि आजकल के वक्त की बात करूं तो। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की बात करें तो जितनी जोर शोर के साथ आए थे, सपा के साथ एक तस्वीर भी आई थी संजय सिंह की अखिलेश यादव के साथ, तो लगा था कि शायद गठबंधन में आकर अच्छे से फाइट करेंगे, लेकिन उतनी दिलचस्पी आखिरी वक्त तक अब देखने को नहीं मिल रही है, जितनी शुरुआत में थी उतनी नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसको लेकर राजनीतिक पंडित हो, हम हो या हमारे रिपोर्टर्स हो या और भी लोग हो, या फिर कहीं भी हम जब जमीन पर जाते हैं, जब ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, तो वहां पर भी लोग जिसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन लेना चाहिए। कैसे? हाथी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि जो मायावती जी हैं वो दरअसल उतनी आक्रामक नहीं है, उतनी अच्छी तरीके से रैलीज नहीं कर रही हैं, पूरी तरीके से हमलावर नहीं है, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल रखा है, साथ ही जो उनके संगठन है, जिला संगठन है, वो भी इतनी बेहतरी के साथ काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और साथ ही जो प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं वो भी बताया जा रहा है कि गोरखपुर का प्रत्याशी देख लीजिए आप, या फिर अलग अलग जगहों के प्रत्याशी देख लीजिए, वो भी इतने ज्यादा मजबूत कैंडिडेट नहीं उतारे जा रहे हैं। तो इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि हाथी जो है इस बार बिल्कुल फीका है, फाइट जो है सपा और बीजेपी के बीच में है। यह बिल्कुल सही है कि फाइट जो है वो सपा और बीजेपी के बीच में है, लेकिन हाथी को बिल्कुल कम नहीं आंका जा सकता। हाथी जो है लगातार कहीं ना कहीं वोट काटने का काम करेगा। लेकिन एक बार फिर आपको ब्रेकिंग से रूबरू करा देते हैं, लखीमपुर खीरी हिंसा केस में जमानत मिल गई है, अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिली है, यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको इस वक्त बता रहे हैं। कहीं ना कहीं चुनावों के बीच आती इस खबर से सियासी उठापटक देखने को मिलेगी, तो इस वक्त की बड़ी खबर अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में एक कांड हुआ था जिसके चलते 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस सीधे तौर पर आरोप लगे थे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे अजय मिश्रा को, आशीष मिश्रा को। तो आशीष मिश्रा जेल भी गए थे, लेकिन आज लखनऊ हाईकोर्ट से उनको जमानत मिल गई है, और इसका बहुत बड़ा सियासी असर देखने के लिए मिल सकता है। जैसा मेरे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कावेंद्र, कि इसका सियासी उठापटक बहुत बड़ा होने वाला है, हम इंतजार करना होगा रिएक्शंस का, हम इंतजार करना होगा अभी प्रतिक्रियाओं का, इंतजार करना होगा किसानों का, क्योंकि स्थिति 5 बजे तक साफ हो जाएगी कि कितने प्रतिशत वोट हुआ है, और लगातार हमारे रिपोर्टर्स भी उन जिलों में बने हुए रिपोर्टर्स से बात करिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे स्टेट हेड हैं, यूपी के ब्यूरो चीफ हैं, सीधे उनको लाइव लेंगे। शुभम जी को जी, ये जानना चाह रहा था कि किस तरीके की जानकारी मिल रही है, क्या कुछ है, अगर आप थोड़ा विस्तार से बता सकें तो, क्योंकि कोर्ट ने जमानत दी है तो किसी बिंदु पर दी गई होगी, तो किन बिंदुओं को अहम माना जा रहा है? यहाँ बिल्कुल आपको मालूम है, आज जो है कह सकते हैं कि अजय मिश्रा जो टेनी है उनके जो बेटे हैं आशीष मिश्रा को आज जमानत मिली है, लखनऊ की जो बेंच है उसमें जमानत दी गई है। कहा जा सकता है कि आज जिस तरीके से जमानत मिली है उसमें कहीं ना कहीं जो सियासी उठापटक है, चुनाव का माहौल है, जो आज जो मतदान भी हो रहा है कहीं ना कहीं उसमें भी काफी ज्यादा जो है उठापटक देखी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कह सकते हैं कि आशीष मिश्रा के ऊपर जो किसानों के ऊपर कार चढ़ाने का जो मामला था, और उनको साफ तरीके से एक वीडियो भी आया था जिसमें देखा गया था कि उनको पूरी तरीके से किसानों के ऊपर रौंदा गया था, उसके बाद अब जब जमानत मिली है तो कुछ अहम बिंदु होंगे जिनको लेकर के जमानत दी गई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अभी जो है लखनऊ के जस्टिस राजीव सिंह है जिनकी उन्होंने पूरे मामले को सुना, और मामले में जो है आरोपी को जो कह सकते हैं जो आरोपी मुख्य आरोपी कहे जा रहे थे उनको जमानत दे दी है।